छोटा सा संदेश आप लोगों के लिए है कि जिंदगी की हर तपिस को मुस्कुराते हुए झेलना, जिंदगी की हर तपिस को मुस्कुराते हुए झेलना। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर सूखा नहीं करती। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर सूखा नहीं करती। तो जीवन में जब भी कभी, जीवन में कभी भी आपको किसी भी ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़े, अपने अंदर के धैर्य को बनाकर रखिएगा, अपने अंदर के हौसले को बना के रखिएगा, अपने जज्बातों को काबू में रखिए, अपने हौसलों को बना के रखिए, आप कभी भी हारेंगे नहीं। अंधेरा कितना भी घना हो, अंधेरा कितना भी घना रहा हो दोस्तों, लेकिन अंधेरों की इतनी औकात नहीं होती कि वो कभी सूर्य न निकलने दे, कभी सवेरा ना होने दे। सवेरा हो के रहेगा, जीवन में उस मुकाम को हम पा के रहेंगे जिस मुकाम को आपने चाहा है। पर फर्क सिर्फ इतना होता है दोस्तों कि क्या हम उस चीज के लिए कितने ईमानदार और कितने तत्पर है। यदि हम ईमानदारी और तत्परता से इस नव वर्ष के पहले दिन मन में एक संकल्प करें कि खंड शिक्षा अधिकारी की इस भर्ती में हमें एक पद पर अपने चयन को सुनिश्चित करना है, तो आइए हम और आप मिलकर उस दिशा में एक सार्थक कदम बढ़ाते हैं। और यदि हमारा और आपका सहयोगी यूं ही बना रहा दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास आपकी मंजिल होगी। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ खंड शिक्षा अधिकारी की इस क्लास में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, भारत की राज व्यवस्था और संविधान जो चल रहा था हमारा, उसका उसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत के संवैधानिक इतिहास। भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था, उस डेवलपमेंट के बारे में हम लोग देख रहे थे। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ भारत का, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, पहले लेक्चर में देखा हम लोगों ने कि यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, संवैधानिक विकास की बात करते हैं, तो संवैधानिक विकास को हम किस तरीके से हम संवैधानिक विकास को चरणों में जो है वह पढ़ सकते हैं। प्रारंभ में पहली क्लास में हमने देखा था कि संवैधानिक विकास को हम दो चरणों में बांट सकते हैं। पहला तो मैंने देखा था कि जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन और उसके बाद क्राउन के हाथों में शासन, मीन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 तक का जो कार्यकाल था वो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था, संवैधानिक विकास था। फिर उसके बाद यदि हम आते हैं दोस्तों, तो हमारा दूसरा हिस्सा जो था वो है क्राउन। क्राउन के अंतर्गत शासन व्यवस्था कैसी थी, क्राउन के अंतर्गत जब शासन हो रहा था, तो यहां पर आपको यह जानना है कि ऐसा क्या हुआ था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था लेकर क्राउन को दे दी गई। पिछले लेक्चर में जो दूसरा हमारा लेक्चर था, हम लोगों ने उस पर देखा था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था थी, उनमें जो रेगुलेटिंग एक्ट या जो चार्टर एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट जो भी बनाए गए थे ब्रिटिश संसद द्वारा, उनमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक थे, बिंदु थे, जिन पर किसी न किसी परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न पूछा गया है। तो उस परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो तमाम एक्ट बनाए गए थे, जो तमाम महत्वपूर्ण एक्ट बनाए गए थे, उनमें जो महत्वपूर्ण बातें थी बेटा, जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं उसके अंतर्गत थी, उनको हम देख चुके हैं। ठीक है, यहां तक। अब आते हैं हम, यदि बात करते हैं कि जो हमारा दूसरी व्यवस्था थी, मींस जब हस्तांतरण हो गया, मींस सत्ता जो है वो परिवर्तित हो जाती है। कैसे परिवर्तित हो जाती है सत्ता, मैं आपको बताते हैं। सन 1857 की एक क्रांति होती है, 1857 की जो क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद सन 1858 का एक चार्टर एक्ट आता है, एक शासन अधिनियम आता है 1858 का। 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश संसद ने क्या किया, ब्रिटिश संसद ने कहा कि जो
शासन भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी, अब वो शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ना चलते हुए वो शासन व्यवस्था कहां चली जा रही है, वह शासन व्यवस्था आपकी शिफ्ट हो जा रही है क्राउन के पास। ठीक है, कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं 1858 की चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1857 में आप जान ही रहे थे, क्रांति का बिगुल बज गया था, मंगल पांडे जी नाराज हो गए थे, और मंगल पांडे जी के नाराजगी के कारण चाहे मेरठ हो, लखनऊ हो, बिहार हो, इलाहाबाद हो, या देश का कोई भी ऐसा शहर नहीं था जहां पर इस जो है क्रांति की ज्वाला ना धधक उठी हो। इस क्रांति की ज्वाला ने भारत में, भारतवासियों में एक जो है देश प्रेम की भावना को जागृत किया, और इस कदर देश प्रेम की भावना जागृत हुई, इस कदर इस स्वतंत्रता संग्राम, इस जो है संग्राम का ये इंपैक्ट पड़ा कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार की जो है वो नींव हिल गई, अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई, मजबूरन उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन लेकर क्या कर दिया, क्राउन को दे दिया। ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया, उस एक्ट के द्वारा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन व्यवस्था लेकर किसको दे दी दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन लेकर उन्होंने क्राउन को सौंप दिया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सन 1858 का जो चार्टर एक्ट था, जो 1858 का हमारा, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे। ठीक है, अठारह सौ अट्ठावन का चार्टर एक्ट, 1858 का जो चार्टर एक्ट आया, इस एक्ट का उद्देश्य क्या था। इस एक्ट का उद्देश्य यह था कि जो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें जो कमियां थी, पहली बात तो उन्होंने उन कमियों को दूर किया। दूसरा जो बिंदु था, जो दूसरा प्रश्न, जो दूसरा पॉइंट आता है इसमें, वह यह आता है कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक, पहला पॉइंट क्या था, इस एक्ट के द्वारा उन्होंने क्या किया, कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, है ना, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, और सत्ता किसको हस्तांतरित कर दी, क्राउन के पास चली गई। क्राउन को शासन सौंप दिया गया। यहां पर क्या किया गया, क्राउन को जो है वह शासन सौंप दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, इन्होंने जब क्राउन को शासन सौंप दिया गया, तो क्राउन का जो प्रयास था वह यह प्रयास था कि जो 1857 की घटना घटी है, 1857 का जो विद्रोह हुआ है, वह 1857 के विद्रोह जैसी घटना दोबारा भारत में ना घटे। 1857 की जो घटना घटी थी भारत में, उसने कहीं ना कहीं अंग्रेजी जो शासन थी, अंग्रेजों की जो नींव भारत में जम रही थी, उस चीज को पूरी तरीके से उन्होंने झकझोर कर रख दिया था। क्योंकि उस समय देश में देश प्रेम की भावना उतनी थी नहीं, अदरवाइज हो सकता था कि वो भारत उस समय आजाद हो सकता था, छिन्न भिन्न टुकड़ों में थे, किसी भी प्रकार के नेतृत्व नहीं था, सभी अपने अपने लिए लड़ रहे थे। जो कारण थे उसमें, चाहे वो आप लखनऊ में जो आंदोलन हुआ वो नाना साहब की पेंशन के कारण हुआ,
तो कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ भी उस विद्रोह के पीछे, अंग्रेजों की जो शासन नीतियां थी, वो कहीं ना कहीं जो है वह पर्सनल रिवाइवल पर भी आधारित थी, इसीलिए वो आंदोलन जो है वह असफल हो गया। तो 1857 की किसी तरह की विद्रोह दोबारा न उत्पन्न हो, इसका प्रयास जो है 1858 के शासन अधिनियम में किया गया। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में विदेश सचिव के पद का सृजन किया गया। विदेश सचिव के पद का, सृजन किया गया। क्या किया गया? उन्होंने भारत में एक विदेश सचिव के पद का सृजन किया। विदेश सचिव ये कौन होता था? यह विदेश सचिव ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होता था, ब्रिटिश संसद का एक मेंबर होता था विदेश सचिव। और इस विदेश सचिव को काम क्या दिया गया? यह विदेश सचिव जो है वह क्या काम करता था? यह विदेश सचिव भारत में ब्रिटिश संसद की तरफ से, ब्रिटेन की सरकार की तरफ से भारत में शासन को रेगुलेट करता था, विनियमित करता था। ठीक है, भारत सचिव के में जो है विदेश सचिव का जब पद समाप्त की सृजित किया गया, तो उन्होंने क्या किया? जो पहले आपने देखा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। बोले जब इनका कोई काम ही नहीं रह गया, जो बोर्ड पहले काम करता था, मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपने पहले देखा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दिया? उन्होंने समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह पर ही इन्होंने क्या किया था? विदेश सचिव के पद का सृजन किया था। तो उन्होंने कहा जब विदेश सचिव यही काम देख रहा है, तो यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दिया दोस्तों? भंग कर दिया। 1858 का जो शासन अधिनियम आ रहा है, देखते जाइएगा, उसके तहत जो प्रश्न बन सकते हैं जिन बिंदुओं पर, वो बन सकता है कि भारत में जो विदेश सचिव के पद का सृजन किया गया वो किस शासन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो हमें याद रखना है 1858 के शासन अधिनियम से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किस जो है अधिनियम भंग किया गया? तो वो किया गया था किसके द्वारा? 1858 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद जो है, और एक चीज, भारत में कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो कंपनी के शासन का अंत जो है वह 1858 के शासन अधिनियम से किया गया। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट इसमें क्या होता है। ये जो विदेश सचिव का पद सृजित किया गया, ये जो विदेश सचिव का पद था, तो ये विदेश सचिव क्या करता था, कैसे काम करेगा? तो विदेश सचिव अकेले तो काम नहीं करता, क्योंकि पहले आपने देखा जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर्स होते थे, तो उन्होंने कहा इस विदेश सचिव को असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए एक 15 सदस्यीय जो है समिति बनाई गई, एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, एक 15 सदस्यीय, ये क्या किया उन्होंने? एक गठन किया। ठीक, ये क्या करता था ये 15 सदस्यीय? ये भारत में जो विदेश सचिव शासन करता था, उस विदेश सचिव को सहायता करते थे, असिस्ट करते थे प्रत्येक मामलों में। तो जो ये विदेश सचिव के खर्चे होते थे, मींस इनका वेतन, इनके रहने खाने आने जाने का जो भत्ता होता था, जो किराया होता था, जो सारी चीजें होती थी, वो किस पर उन्होंने भारित किया?
उन्होंने वो सारा खर्च भारत के ऊपर डाल दिया और नाम क्या दिया उस बैग को, होम चार्जेस, होम चार्जेस। उन्होंने इसका खर्च का नाम क्या दिया, होम चार्जेस। होम चार्जेस का मतलब गृह यानी घरेलू खर्च, अधिकारी उनका लेकिन खर्च पैसा कौन देगा, हम देंगे, हमसे वसूला जाता था पैसा और नाम उसको दिए उन्होंने होम चार्जेस। बोले क्यों, क्योंकि ये बोले आदमी हमारा है लेकिन शासन आपके यहां कर रहा है, आदमी हमारा है शासन आपके यहां कर रहा है तो पैसा और खर्च कौन देगा, आप देंगे। तो उस विदेश सचिव के की परिषद का और उस विदेश सचिव के पूरे खर्च को कौन वहन करता था, उसके वहन की जिम्मेदारी वह किसके ऊपर डाल दी गई, भारत के ऊपर डाल दी गई और भारत में उस चार्ज को क्या कहा गया, होम चार्जेस कहा गया। ठीक है, होम चार्जेस उसको कहा गया। उसके बाद एक और चीज आई जो आप लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में, हमने देखा पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, तो बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर बंगाल की गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल, और उस गवर्नर जनरल को क्या किया उन्होंने, वाइस राय का नाम दे दिया। गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया उन्होंने, वाइस राय का नाम दे दिया। क्या दे दिया उन्होंने, गवर्नर जनरल का ये जो पद था उसे उन्होंने वाइस राय का नाम दे दिया। और वाइस राय, पहले वाइस राय के रूप में, चूंकि उस समय भारत में गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय भारत में गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का वाइस राय वायसराय का अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि। वायसराय का क्या अर्थ होता है, राजा का प्रतिनिधि। तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। क्लियर है यहां पर। चलिए अब आते हैं इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है हमारा, तो इसमें आपने देखा कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। पहला तो बनता है दोस्तों कि भारत में कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, तो भारत में कंपनी के शासन को 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा खत्म किया गया। दूसरा, विदेश सचिव के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो विदेश सचिव का पद जो है 1858 के अधिनियम के द्वारा। बंगाल जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया गया किस अधिनियम के द्वारा, 1858 के द्वारा। पहले वायसराय के रूप में कौन नियुक्त किया गया, लॉर्ड कैनिंग नियुक्त किए गए। ये तमाम जो है बिंदु, और जो इनका सचिव का खर्चा होता था वो किस पर भारित होता था, भारत पर, और उसका नाम क्या दिया गया था, उसका नाम दिया गया था होम चार्जेस। ठीक, अब आते हैं हम लोग यहां पर, अगला एक्ट है हमारा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारत भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जस्ट 3 साल के बाद 1861 का भारतीय जो है परिषद अधिनियम आता है, 3 साल के बाद 1861 में लाया जाता है। अब 1861 का जो ये भारतीय परिषद अधिनियम आया उसके द्वारा इन्होंने क्या किया वो देखा जाता है यहां पर, जो इसके कुछ परिस्थितियों में पहला पॉइंट इसका जो आता है वह यह आया कि जो वायसराय था, जो वायसराय हुआ करता था, उस वाइस राय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, वाइस राय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई, वो भी किस अधिनियम के द्वारा, 1861
1800 जो है 61 के शासन अधिनियम के द्वारा इन्हें क्या कर दिया गया, कुछ स्थितियों में 22 जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। एकमात्र इसमें से पॉइंट है जिसमें से जहां से ये प्रश्न पूछा जाता है आपका, ठीक है। और इसमें से 1861 का जो शासन अधिनियम था या भारत परिषद अधिनियम था बेटा, इसमें से एक ही ऐसा पॉइंट है कि किस अधिनियम के द्वारा या किस भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा जो भारत के वायसराय होते थे उनको कुछ परिस्थितियों में क्या किया जाता था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति रहती थी, तो वो था 1861 का जो ये अधिनियम था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, जो अगला हमारा अधिनियम है वह है 1892 का अधिनियम, ठीक। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, अधिनियम 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसके द्वारा इन्होंने क्या किया, इसके द्वारा एक सबसे बड़ी चीज जो इस एक्ट के द्वारा आई वह ये आई कि इस एक्ट के द्वारा निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा किया गया, क्या किया गया, इन्होंने निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया, किस एक्ट के द्वारा, 1892 के जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा इन्होंने निर्वाचन की पद्धति को प्रारंभ किया। और जो मेंबर होते थे केंद्रीय विधान परिषद में उन मेंबरों की संख्या को बढ़ाया गया, क्या संख्या बढ़ा दिया गया, जो पहले आपने देखा था 4 थे, फिर 3, फिर 4, तो उन्होंने अधिकतम कितना कर दिया, उन्होंने कहा कम से कम 10, कम से कम 10 सदस्य, कम से कम 10 सदस्य तथा अधिकतम 16 सदस्यों के नियुक्ति का प्रावधान किया, अधिकतम 16 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया। इसी अधिनियम के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, केंद्रीय जो विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय जो मेंबर होते थे, भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति मिली, अनुमति जो सार्वजनिक मुद्दे होते थे उन पर जो है केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को क्या कर दिया, इन्होंने प्रश्न पूछने की जो है वो अनुमति दे दी, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया इन्होंने, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया। क्लियर। इन्होंने इस अधिनियम के द्वारा तीन महत्वपूर्ण चीजें की जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। पहला तो इन्होंने क्या किया कि निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया। यदि पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन पद्धति का आरंभ किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। दूसरा किया गया जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें जो सदस्यों की नियुक्ति थी उन्होंने कहा कि कम से कम 10 सदस्य तथा अधिकतम 16 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया। तथा जो केंद्रीय विधान परिषद में प्रश्न पूछने थे जो भारतीय सदस्य होते थे उन्हें पहली बार किसी भी ऐसे मुद्दे पर जो किसी व्यक्ति लोक से संबंधित था, व्यक्तियों से संबंधित हो, ऐसे प्रश्नों पर उन्होंने क्या किया है
उन्होंने प्रश्न पूछने की अनुमति जो है वो दे दी थी। ठीक, प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी, केवल प्रश्न पूछने की अनुमति दी, लेकिन मतदान का जो अधिकार था वो नहीं था। मीन्स यदि किसी मुद्दे पर कोई मतदान का प्रश्न आता है तो मतदान का जो है वहां पर कोई इशू नहीं था कि आप मतदान कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद, 1858 का शासन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, जरूर प्रश्न बनता है। जो कंपनी के अंतर क्राउन के अंतर्गत जो शासन प्रणाली थी, क्राउन के अंतर्गत जो शासन पद्धति थी, उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अधिनियम जो है वह 1858 का है, 1909 का है, 1919 का है और 1935 का। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं 1909 का, 1909 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। इसको जो है मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक, मॉर्ले कौन थे, उस समय भारत के सचिव थे, आप जानते हैं 1858 में इस पद का सृजन हो चुका था। मिंटो उस समय भारत के क्या थे, वाइसराय थे। ठीक है, तो इनके दोनों जन के सहयोग से, इनके दोनों जन के परस्पर कोऑर्डिनेशन से एक अधिनियम ब्रिटिश संसद पास करती है, उस अधिनियम का नाम था बेटा 1909 का जो है वह भारत शासन अधिनियम। तो इस अधिनियम के द्वारा जो मॉर्ले मिंटो दोनों जन, जो मार्ले जी थे ये सुधार सचिव थे भारत के, और मिंटो जी उस समय क्या थे, भारत के वायसराय थे, तो इनके सहयोग से जो भारत में सुधार हुए वह मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाने गए। तो किस, पहले प्रश्न यही पूछा जाता है इस एक्ट से, तो किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो 1909 के जो भारत शासन अधिनियम है उसे क्या है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग इस अधिनियम में जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, या जो मॉर्ले मिंटो के द्वारा जो महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जिनसे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी लोक सेवा आयोग पूछता आया है, उन पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिंदु थे। यहां पर पहला जो इसने इसमें अमेंडमेंट की, पहला जो सुधार था वो था जो केंद्रीय विधान परिषद था, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद के आकार को बड़ा कर दिया गया, आकार को बड़ा कर दिया। क्या बड़ा, कितना बड़ा कर दिया गया, उन्होंने जो पहले अधिकतम 16 सदस्य थे उस 16 सदस्य से इसको बढ़ाकर कितना कर दिया इन्होंने, 20 सदस्य। पहला सुधार था इसमें 1909 के शासन अधिनियम में, जो केंद्रीय हमारा विधान परिषद था उसमें जो संख्या थी 16 से बढ़ाकर, माफ कीजिएगा, 60 कर दिए, 20 नहीं था, 16 से बढ़ाकर, 16 सदस्य से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण था वो था, उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन
मंडल, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ठीक है, मुसलमानों के लिए क्या किया गया, उन्होंने पृथक एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी, ठीक। तो जब यहां मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था उन्होंने की, तो यह पृथक निर्वाचन मंडल का पर्पज क्या था, इसका पर्पज था बेटा फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो। जब ये पृथक निर्वाचन मंडल लागू किया गया, तो उस समय जो लॉर्ड मॉर्ले थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था लॉर्ड मिंटो को, और उस पत्र में उन्होंने एक कोटेशन लिखा था कि हम नाग के मुंह में दांत लगा रहे हैं और इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। लॉर्ड मॉर्ले का ये जो है लेटर लिखा गया था लॉर्ड मिंटो के नाम पर कि आप ऐसी शासन व्यवस्था को मत लागू करिए, क्योंकि ये धर्म के आधार पर, पहली बार भारत में धर्म के आधार पर क्या किया गया था, निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, धर्म के आधार पर पहली बार किसी प्रकार का विभाजन भारत में किया गया था। तो धर्म के आधार पर जो विभाजन किया गया, उन्होंने धार्मिक आधार पर यानी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी 1909 के शासन अधिनियम से। इसके संबंध में जो उस समय तत्कालीन भारत सचिव थे माननीय मॉर्ले जी, उन्होंने एक लॉर्ड मिंटो को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि हम नाग के मुंह में दांत डाल रहे हैं, दांत लगा रहे हैं, और उसका परिणाम ही बहुत भयंकर होगा, बहुत भयानक होगा। पर्पज उनका क्या था, पर्पज उनका था फूट डालो राज करो, फूट डालो, क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति में ये चीज देख ली थी कि भारत में हिंदू और मुस्लिम, चूंकि उस समय दो ही संप्रदाय भारत में बहुतायत में थे, तो उन्होंने क्या किया कि यदि हम भारत में मुस्लिम और हिंदुओं को लड़ा दें तो इनकी शक्ति क्या हो जाएगी, वो क्षीण हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और इन पर राज करना कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसके चलते इन्होंने इस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया, भारत में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल की इन्होंने व्यवस्था कर दी इस अधिनियम के द्वारा, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या किया इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा इन्होंने भारत परिषद जो था, भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, भारत परिषद और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, भारतीय सदस्यों को क्या किया गया, इन्होंने शामिल कर लिया मॉर्ले मिंटो सुधार में, ठीक है। इस अधिनियम में इतनी चीजें जो है हमारी क्या थी, वह महत्वपूर्ण थी, क्या क्या, केंद्रीय विधान मंडल विधान परिषद के आकार को बड़ा कर दिया, यानी जो 16 सदस्य थे उससे 60 कर दिया गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी, और जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसपे क्या कर दिया इन्होंने, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को भी शामिल कर दिया, तथा केंद्रीय परिषद में जो सार्वजनिक प्रश्न होते थे, केंद्रीय परिषद में जो सार्वजनिक प्रश्न होते थे उन प्रश्नों पर, सार्वजनिक मुद्दे जो होते थे उन पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी भारतीयों को दे दिया गया, मींस वो अब प्रश्न पूछने का अधिकार आपको दे दिया गया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बिंदु किस अधिनियम में थे, 1909 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत यहां पर आपको क्या मिलता है,
ये कुछ पॉइंट 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा मिलते हैं। अब इसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण अधिनियम आता है वो आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1935 का शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, इनके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और इसी शब्द के साथ हम अपनी वाणी को यहां पर विराम देते हैं कि इस नव वर्ष की आप सभी दोस्तों को, आप सभी प्यारे भाई बहनों को मैं बीके शुक्ला की तरफ से और टारगेट विद आलोक संस्था की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आशीर्वाद, शुभाशीष आप सभी लोगों को। आप सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहिए, आनंद रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर अग्रसित होते रहिए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही एक जो है मोटिवेशनल स्पीच दी 2 मिनट की कि कभी भी अंधेरा कितना भी घना क्यों ना रहा हो बेटा, अंधेरों की इतनी औकात नहीं होती कि वह सुबह ना होने दे, वह सवेरा ना होने दे। तो जीवन में अंधकार कितना भी हो सकता है दोस्तों हमारे, जीवन में अंधकार कितना भी हो, लेकिन एक न एक दिन आएगा जब आपके जीवन का सितारा भी चमकेगा, एक दिन आप भी सूरज की तरह चमकेंगे। लेकिन सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। यदि हमें सूरज की तरह चमकना है दोस्तों, तो सूरज की तरह जलने का मादा भी आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप चमकेंगे, अदरवाइज फिर आप चमक नहीं सकते। इसी दृढ़ संकल्प, इसी मनोकामना, इसी संघर्ष की जिद के साथ हम लोग इस सफर को आगे बढ़ाते रहेंगे, और ये हमारा विश्वास है, ये हमारा अटल विश्वास है कि यदि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो ये वर्ष 2020 आपके लिए निश्चित है एक आशा की किरण जगाएगा, एक उम्मीद की किरण जगाएगा, और इस वर्ष हम सभी अपने अपने लक्ष्यों को पाने में सफलता हासिल करेंगे। इसी मनोकामना मंगल कामना के साथ एक बार फिर से संस्थान की ओर से आप सभी को ढेरों सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।